Hello everyone, I am Sanjeev Gupta from Civil Department. Today our topic is movement of inertia in circular section. हम लोगों ने जब भी numerical solve किया उसमें हम लोगों ने movement of inertia find किया है maximum में, ठीक, जो जिसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व तो कोण। बहुत सारे numericals में भी आपको movement of inertia find करने को बोला जाता है, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता क्या है, सबसे पहले तो वो हमको जानना जरूरी है, ठीक। जैसे कि आपने अगर बीम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, कॉलम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, अब आपको उनके बारे में बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आपको डिफिकल्टी फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग जब मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड करते हैं तो चलो हमारे पास फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्सिया का, फॉर्मूला में पुट करूँ वैल्यू फाइंड कर दो, ठीक, ये चीज़ तो समझ में आता है। लेकिन वो क्या होता है, एक होता है रट के पढ़ना, दूसरा होता है समझ के पढ़ना, ठीक। वो ज़्यादा दिन तक आपको याद नहीं रहेगा जो फॉर्मूला है, ठीक। तो उसके लिए हमको समझना ज़्यादा ज़रूरी है मोमेंट ऑफ इनर्सिया एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया इन सर्कुलर सेक्शन, उसके पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता क्या है, ठीक है। तो जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया रहता है किसी भी एरिया क्षेत्रफल या द्रव्यमान का, ठीक है, किसी भी एरिया क्षेत्रफल या द्रव्यमान का जो सेकेंडरी मोमेंट होता है, ठीक है, द्वितीय आपको सेकेंडरी मोमेंट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व तो आघूर्ण बोलते हैं। किसी भी एरिया यानी क्षेत्रफल या द्रव्यमान मास का, ठीक है, जो द्वितीय आघूर्ण होता है सेकेंडरी मोमेंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व तो आघूर्ण, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पास कोई एरिया क्षेत्रफल क्या डी ए, ठीक, यहाँ पास एक एरिया है डी ए जो कि वाई एक्सिस, एक्स डिस्टेंस में और एक्स एक्सिस y डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक, ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, ये हमारा है y एक्सिस, ये हमारा है एरिया जो कि इस जगह में है, ठीक है, जो कि y एक्सिस से x डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से y डिस्टेंस पे, ठीक, हमारा जो एरिया है, ठीक। तो इसका एस एक्स एक्सिस के सापेक्ष, ठीक है, आई एक्स एक्स क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया में क्या करते हैं, डिस्टेंस स्क्वायर इनटू जो एरिया रहता है वो, ठीक है, क्षेत्रफल, डिस्टेंस इनटू एरिया क्या होता है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है। x एक्सिस के सापेक्ष, इसके सापेक्ष क्या होगा, डिस्टेंस क्या है, y है, हमारा जो क्षेत्रफल है जो एरिया है उसका डिस्टेंस x अक्ष के सापेक्ष y है, तो इसमें क्या होगा, आई एक्स एक्स में x अक्ष के सापेक्ष y का स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक। अब इस एक्स के लिए क्या हुआ, वाई स्क्वायर जो डिस्टेंस था, एक्स अक्ष से डिस्टेंस कितना वाई, तो वाई स्क्वायर इंटू डी ए, वाई के लिए क्या होगा, इनर्जिया है वो आई वाई वाई इज इक्वल टू वाई एक्स से एक्स डिस्टेंस के है, तो एक्स स्क्वायर डी,
ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अब ये भी समझ में आ गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता क्या है, ठीक है, डिस्टेंस स्क्वायर इनटू एरिया। अब अगर इसके जगह कोई द्रव्यमान होता, ठीक है, कोई द्रव्यमान होता और उसका उसका डिस्टेंस होता आर, ठीक, तो उस जगह में क्या हो जाता, उस जगह में आई इज इक्वल टू हो जाता आपका आर स्क्वायर डीएम, आर उसका डिस्टेंस और डीएम क्या है उसका द्रव्यमान या मास। ये किस में होता है, किसी भी पिंड में होता है, ठीक है, क्षेत्रफल में द्रव मास नहीं होता, ठीक। जब कोई पिंड है या कोई वस्तु है जिसका एक द्रव्यमान है, जिसका एक भार है, ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या होगा इनर्सिया को कौन सा आर स्क्वायर इंटू डीएम, ठीक है, जिसमें आर क्या है अक्ष से दूरी और डीएम क्या है उसका द्रव्यमान या मास, ठीक है। अब किसी भी अब जो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्सिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस स्क्वायर इंटू एरिया, ठीक है, डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मास, इसी के चलते इसको हम लोग निगेटिव में नहीं ले सकते। तो हमारे जितना भी मूवमेंट ऑफ इनर्सिया रहता है वो पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। और जब हम लोग बात करते हैं यूनिट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया यूनिट की, जब हम लोग बात करते हैं तो जो एरिया वाला जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उसमें उसका यूनिट क्या होता है, mm टू द पावर 4 या मीटर टू द पावर 4, ठीक, ये होता है हमारे जिस एरिया के लिए। और द्रव्यमान वाले के लिए क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, द्रव्यमान वाले के लिए क्या होगा, जैसे हम किसी द्रव्यमान का मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड करें, किसी भी पिंड का, पिंड गोला या कोई वस्तु जिसमें भार हो, ठीक, उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है तो उसके यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर लेंगे। और अगर हमारे पास कोई एरिया है क्षेत्रफल, जैसे त्रिभुजाकार, सर्कल, आयताकार, ठीक है, वृत्त, तो इस टाइप का अगर कोई एरिया है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, mm टू दी पावर 4 या मीटर टू दी पावर 4 लेंगे उसका यूनिट। तो ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया इन सर्कुलर सेक्शन, इसमें ट्राइंगल के लिए भी होता है, ठीक है, और आपके स्क्वायर रेक्टेंगल इन सभी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोमेंट इनर्सिया इन सर्कुलर सेक्शन, ओके, ठीक, हम लोग क्या देखने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया इन सर्कुलर सेक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक, जिसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होगा, ये क्या होगा वाई वाई, ये क्या होगा एक्स एक्सिस, इसमें क्या होगा जेड भी होगा,
ठीक आर एस ओवर बी। अब ये जो हो गया हमारा सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, इसमें बी ये होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब जो हमारे वृत्त की जो मोटाई है वो क्या होगी, ये जो बी है वृत्त की जो मोटाई है वो क्या होगा, मान लेते हैं, माना वृत्त की मोटाई क्या है, डी आर है, माना वृत्त की मोटाई डी आर है तथा वृत्त की त्रिज्या आर, हमने माना कि वृत्त की मोटाई डी आर है तथा वृत्त की त्रिज्या आर है, ठीक है, तब क्या होगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा, इस वृत्त या बोल सकते हैं होलो सर्कल का जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ होलो सर्कल क्या होगा, इसका जो परिधि होगा इनटू इसकी जो मोटाई होगी वो, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, मोटाई कितनी है, dr थिकनेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ होलो इसका वलय का क्या होगा, एरिया 2πr इनटू dr, ठीक है, ये क्या है, वलय का एरिया, अब z एक्सिस के परिधि हम लोग क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालेंगे, ठीक है, तो z एक्सिस z कौन सा है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम लोग को पता है एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा, z एक्सिस के अबाउट 2πrvr इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ये क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा, एक्सिस का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, ये है, ठीक है, या यहां से यहां तक की दूरी, या यहां से यहां तक की दूरी कितनी r है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, r होगा, ठीक, तो एरिया इंटू क्या होगा, आपका डिस्टेंस का स्क्वायर, वो क्या होगा, आपका मूवमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट जेड एक्सिस। अभी तो हम लोगों ने एक एक्सिस के लिए निकाला, अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे का मूवमेंट ऑफ इनर्सिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो जो पूरे का मूवमेंट ऑफ इनर्सिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, जड़त्व आकृति हो गया।
ठीक है। अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π बाहर आ जाएगा, ये तो 0 से r तक लिमिट रहेगी, 2π बाहर आ गया, r r r3 dr। इसमें क्या होगा, 2πr कॉमन निकल गया और r स्क्वायर का अंदर में मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर अपॉन, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इसमें 0 से r तक की लिमिट रख देंगे, ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमारे जो बचेगा वो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। पाई e to the power 4 upon 64,
होगा 5 × 4/64। ये हो गया इसके लिए, जो कि नॉर्मल एक सर्कल है। ठीक, अब इसी के जगह अगर यहाँ पास हम लोगों ने क्या लिया है, होलो सर्कल, होलो लिया है, होलो सर्कल जिसमें डायमीटर कितना आएगा, इसमें दो डायमीटर आएगा, एक तो अंदर वाले ब्रिज का, एक आएगा बाहर वाले ब्रिज का, मतलब एक कैपिटल डी रहेगा, एक स्मॉल डी रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पाई कैपिटल डी टू दी पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू दी पावर 4 अपॉन 64। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में कैपिटल बाहर वाले का व्यास पर जो है वो कैपिटल डी टू दी पावर 4, फिर अंदर वाले व्यास के लिए स्मॉल डी टू दी पावर 4, ठीक है, अपॉन 64। ये हो गया होलो के लिए, और नॉर्मल सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, जिसमें एक ही डायमीटर होगा, ठीक है, या एक ही रेडियस होगा, ठीक, उसके लिए क्या हो जाएगा पाई डी टू दी पावर 4 अपॉन 64। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। ठीक,